हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जहां मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं जो प्रीवियस लेसन पढ़ा था उस पे बेस्ड दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेट पे पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले इस क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, देन आप पूरा वीडियो देखिए कि इसे किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं। ओके, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी और मैं इसे देखिए किस तरीके से सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा गया है कि अ प्लेन ईएम वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड। ओके, एक प्लेन ईएम वेव है जो एक सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट किया जा रहा है। ओके, कैसा इंसिडेंट किया जा रहा है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है और वो सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो रहा है, यानी कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड भी हो रही है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड भी हो रही है। ओके, मेजरमेंट ऑन द स्टैंडिंग वेव इन द रीजन इन फ्रंट ऑफ द इंटरफेस, ओके, सच दैट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मैक्सिमा एंड द मिनिमा इज 5। ओके, यहां पे एक लाइन समझिए, देन मेजरमेंट ऑन द स्टैंडिंग वेव, ओके, स्टैंडिंग वेव की मेजरमेंट के बेस पे इन द रीजन इन फ्रंट ऑफ द इंटरफेस, दो मीडियम्स के इंटरफेस के बेस पे, इंटरफेस जहां है दोनों मीडियम्स को, सेपरेटिंग मीडियम का बाउंड्री जहां, वहां पर आपकी जो स्टैंडिंग वेव हो रही जनरेट हो रही है। आपको पता है कि स्टैंडिंग वेव दो वेव्स के इंटरफेस के आपस में इंटरफेरेंस के कारण क्रिएट होती है, तो वहां इंटरफेरेंस के कारण जो वेव क्रिएट हुई उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम की इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम की जो वैल्यू रेशियो है वो आपकी 5 है। तो आपसे पूछी गई है कि रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी पूछी गई है, पहली क्वेश्चन है। ओके, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां आपके पास है एक इंटरफेस, ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ था, आपकी वेव यहां गई, ओके, और कुछ भाग यहां ट्रांसमिट होगा, कुछ भाग यहां क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये आपकी इंसिडेंट हो गई है, ओके, और ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, और ये क्या हो गई आपकी, ट्रांसमिट हो गई। ओके, ट्रांसमिट हो गई। इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट आपस में इंटरफेयर करते हैं, ओके, इंटरफेरेंस फेनोमेना, और जनरेट करते हैं स्टैंडिंग वेव। ओके, अब आपसे बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम और उसकी मिनिमम की जो रेशियो है वो क्या है, 5 है। तो देखिए ध्यान से, यानी ई मैक्स बाय ई मिनिमम जिसे हम लोग कह सकते हैं वो क्या है, 5 है। ओके, अब ये मैक्सिमम कितना होगा, देखिए इस वेव की जो एम्पलीट्यूड है आपने मान लिया कि ईओ EO I, क्योंकि इंसिडेंट की है और रिफ्लेक्टेड की होगी EO R। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब दोनों सेम होंगे, एक साथ ऐड होंगे। अब मिनिमम क्या होगा जब इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कह सकते हैं लाइक आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है उसके तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की तरह। ओके, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये आपकी मिनिमम वैल्यू को शो करेगी, दैट इज 5। ओके, यहां से आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपकी ये इंसिडेंट है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड होगी। इंसिडेंट की ये है, जब दोनों सेम फेज में जाके मिलेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी, ऑपोजिट में होगा तो मिनिमम को शो करेंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है, सिंपली इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहां से ईओ आई प्लस ईओ आर इज इक्वल टू 5 ईओ आर माइनस 5 ईओ आर। ओके, सो आप ईओ आई वाला के पार्ट को एक साइड कर दीजिए तो 4 ईओ आई ओके इज इक्वल टू 6 ईओ आर। ओके, यहां से आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं यहां से आप अगर इसे जनरेट, ईओ आई बाई ईओ आर इज इक्वल टू 3 बाई ओके, यहां से आपकी जो ईओ आई और 3/2 की रेशियो होगी। ओके, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा कि रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी। ओके, आपसे पूछा गया था रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया हुआ था, यहां ध्यान से देखिए मैं से मिटा देता हूं। तो आप क्या देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी आई आर बाय आई इंसिडेंट। ओके, तो ये आपको पहले से पता है, मैंने आपको बताया हुआ था 1/2 EV E0 R² होगा मीडियम की, और इस वाले के 1/2 EV EO इंटेंसिटी, तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे थे, ईओ आर का स्क्वायर बाई ईओ आई का स्क्वायर, जो कि आप यहां से देख सकते हैं, इसको आप रिफ्लेक्ट उल्टा करते हैं तो आपकी जो स्क्वायर होगी तो 4/99। ओके, 4/99, तो ये आंसर होगा 4/9 हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके,
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मेरे अनअकैडमी में भी कोर्सेज देख सकते हैं, और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे हुए हैं। आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, और जैसा अच्छा लगे आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, ना अच्छा लगे तो डेफिनेटली डिसलाइक। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है, वीडियो को फिर से पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वॉच माई वीडियो। ओके, अ प्लेन ईएम वेव ट्रैवलिंग इन द फ्री स्पेस। ओके, प्लेन ईएम वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव, ओके, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ओके, एक प्लेन ईएम वेव है ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस इफ इंसिडेंट नॉर्मली। ओके, आपकी फिर से प्लेन वेव है जो किसी सरफेस पे जाके नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और एक ग्लास प्लेट इंटरफेरेंस। ओके, ग्लास प्लेट के इंटरफेरेंस पे जाके जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 3/2। तो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक और लाइन, इफ देयर इज नो एब्जॉर्प्शन बाय द ग्लास, अगर ग्लास में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यानी कोई उसमें एब्जॉर्प्शन, तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या है, यानी आपसे रिफ्लेक्शन कोफिशियंट पूछा गया है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है। आप देख सकते हैं यहां से सिंपल एक कोई मीडियम है, आप यहां से वेव जा रहा था, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां ट्रांसमिट हो जा रहा था, आपसे तो रिफ्लेक्शन की बात, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट की बात की गई, रिफ्लेक्टिविटी। तो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, n1 - n2 / n1 + n2 का होल स्क्वायर। ओके, ये बताया हुआ था। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इस मीडियम की n1 थी और इस मीडियम की आपकी n2 हो जाएगी। ओके, n1 और n2 है, तो आप लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 ओके इज इक्वल टू क्या है 3/2। ओके, देखिए ध्यान से, द ईएम वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास प्लेट इंटरफेरेंस, ओके, ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि n1 / n2 अगर हम निकालते हैं तो आपकी कितना हो जाएगा 2/3। सिंपल है, तो यहां से अगर आप n1 निकालना चाहते हैं तो उतना भी आप इसे कर सकते थे, नहीं तो इसे डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर लिया, 2/3 n2 हो गया। ओके, इसकी वैल्यू को यहां अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहां से आ जाएगा 2/3 n2 - n2 / 2/3 n2 + n2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहां से सारे के सारे n2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली हो जाएगा यहां से हो जाएगा 1/3 और यहां से हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/25। ओके, 3 कैंसिल होगा 1/25, और आपसे परसेंटेज में पूछा है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 4%। ओके, दैट इज 4% इज द राइट आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, थैंक यू।